ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال

बयान करते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हर ऐसे चर्ब जबान इंसान को नापसंद करते हैं जो अपनी ज़बान को बात करते हुए वैसे ही मरोड़ता है जैसे कि एक गाय चारे को चबाते हुए अपनी ज़बान को मरोड़ती है इस हदीस में ग़ौर अगर किया जाए तो ये हदीस उन हदीस में से शामिल है जिनमें जिनको अमसालुल हदीस कहा जाता है यानी वो अहदीस जिनमें रसूल अकरम अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुछ बातें मिसालों के ज़रिए से आपने समझाई हूँ किसी चीज़ को किसी चीज़ से तश्ीश दे करके आपने समझाई हूँ इसलिए कि रसूल अक्रम स माहिर नफ्सियात थे सामने वाले का क्या मसला है सामने वाले को कैसे बात समझाई जाए कैसे ये बात उसके जहन में रासक हो जाएगी ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते थे इसीलिए आप देखें बसाओकात अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कभी एक ही सवाल पूछा जाता लेकिन पूछने वाले एक से जायद लोग होते आप अफराद के अबार से अलग अलग जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नब्ज़ शनाज थे लोगों को देखने के बाद आप उनके मसाइल को जानते आप उनके मसाइल को उनके नफसियात पर रखते हुए उनका न, उनके नफसियात का लिहाज करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब देते जिससे सामने वाला मुकम्मल तौर पर मतमिन हो जाता और आप आपत वाम के जवाब से उसे पूरी तसल्ली हो जाती ये हदीस उन्हीं अस में से हैं बहुत सारी अहदीस आपने सुनी होंगी पढ़ी होंगी जिसमें जिस अल्लाह के नबी आई सलात वाम ने बसाओकात मिसालें देकर के आपने कुछ बातें समझाई हैं और इसका असर यही होता है कि आदमी जब मिसाल के ज़रिए से कोई बात समझता है एग्ज़ाम्पल उसके सामने रख दी जाए तो बात खुल करके उसके सामने आती है इस हदीस में आपने फरमाया कि हर चर् जबान इंसान जो बातें जब करता है बहुत ज़्यादा बातें करे या अपनी ज़बान को मरोड़ मरोड़ करके बात करे जिसमें वो खुद अपनी बातों में अपने कलाम से लज्जत महसूस करता हूँ ताकि सामने वालों के ऊपर अपना एक असर मुरतब करे ताकि सामने वालों के सामने अपनी बात को अच्छी तरीके से पेश करने की पूरी कोशिश में बसा औकात वो झूठ को सच बनाकर और कभी सच को झूठ बना करके पेश करने की कोशिश करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे हर चर्ब जबान इंसान को अल्लाह ताली नापसंद करते हैं और इसकी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गाय से दी जो चारे को चबाते हुए अपनी ज़बान को मरोड़ती है महदसिन ने बतौर ख़ास गाय की मिसाल देने का मकसद बताते हुए ज़िक्र करते हैं कि दूसरे जो हैवाना हैं वो अपने दांतों से घास को चबाते हैं काटते हैं जबकि गाय की आदत है कि वह अपनी ज़बान को मरोड़ मरोड़ करके उससे लज्जत हासिल करने की कोशिश करती है ये अपने में उसकी आदत है लेकिन मिसाल देकर के नबी आ सलातम ने एक इंसान को यह समझाया कि ज़्यादा कलाम करके इंसान अपनी बात को मनवाने की कोशिश अगर करता है जब ज़बानी कुछ लोगों में होती है वो कभी कभी लोगों के सामने आकर अपनी बात ऐसे पेश करते हैं जहाँ हक और बातिल में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसीलिए रंगबी करम अलैहि वसम के पास भी जो अदालती फ़ैसले आपके होते लोगों के जो मसाइल आपके पास आते आप अक्सर ये बात कहा करते कि तुम में से कोई अगर चर्ब जबान है आए मेरे सामने अपनी बात कर के अपनी बात को मनवा करके भी ले जाए जबकि मैंने जो फैसला किया है वह उसके हक़ में नहीं बल्कि उसके उसके जो मुखालिफ में शख्स है उसके हक़ में जाना चाहिए था तो ये सिर्फ उसकी ज़बान की वजह से हुआ है उसकी चर जबानी की वजह से हुआ है तो फिर इसका ख़मियाजा वो खुद भुगतेगा इसका नुक़सान वो ख़ुद उठाएगा तो ऐसे अगर हम देखें अपने माशरे में इसीलिए अल्लाह के नबी सला सलाम की नहदीस को बयान करने के बाद अहिल ने बात बताई कि मन कस और कलाम हूँ कस और ख़तूँ जिसकी बातें ज़्यादा होती हैं जिसका कलाम ज़्यादा होता है ग़लतियाँ ऐसे ही लोगों से ज़्यादा होती हैं तो ये बात समझ में आई कि इस हदीस में नबी नबरम सल्ह ने वजह बेफायदा ज़्यादा गुफ्तु करने से मना किया बेफायदा गुफ्तु करने से अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना किया है तो यहाँ जो मिसाल अल्लाह के नबी सलाम ने दी वो बड़ी बलीग मिसाल है ताकि लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आए अब हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ज़बान चलाना जानते हैं बे मकसद गुफ्तु करते हैं ये बात समझना ज़रूरी है कि अल्लाह ताली को यह आदत बिल्कुल नापसंद है और ऐसे ही तकल्लुफ़ के साथ तसन् के साथ यानी जो बात इंसान कर रहा है वो आसान अल्फाज में भी कह सकता है ताकि सामने वाला समझ जाए लेकिन पूरी कुछ लोग कोशिश करते हैं आमदन कसदन और इरादतन कुछ ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान में लाते हैं अपने जुमलों के दरमियान लाते हैं ताकि सामने वाले को परेशान कर सके ऐसी बातें भी या कभी कभार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें अगर वो झूठ भी कह रहा हो तो सामने वाले को सचने लगने लगे ये तसन्न है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बिल्कुल पसंद नहीं है इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहि व सलाम ने मिसाल दी कि लोग गोया अपनी ज़बानों से अपने कलाम से एक तरीक़े की लज्जत महसूस कर रहे होते हैं अगर हम अपने माशरे पर गौर करें ऐसे कुछ अफराद हमारे सामने आते हैं हमारे दरमियान रहते हैं अगर रिश्तेदारी की बात करें तो इसमें दो पहलू हैं मुसबत भी हैं और मनफी भी हैं पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं जो पॉजिटिव बात करते हैं और जो पॉज़िटिव लोग होते हैं रिश्तेदारी में जब कभी कोई मसाला आ जाए कुछ परेशानी आ जाती हैं घर के कुछ मसाइल होते हैं तो घर के जो बड़े अफ़राद होते हैं जिनकी ज़बान या जिनकी गुफ्तगु माना रखती है पूरे ख़ानदान में जिनका असर है जिनका रसूख है वो अगर बात करें तो बात उनकी मानी जाती है तो इसकी वजह से घर मुकम्मल तरीके से महफूज़ होते हैं मुकम्मल तरीके से घर अच्छी तरीके से चलने लगते हैं वहाँ कोई इख्तलाफ़ नहीं कोई झगड़ा नहीं अगर आते भी हैं तो इनको अच्छी तरीके से ख़त्म कर देते हैं इसी के बिलमक़ाबिल जो मनफी पहलू हैं नेगेटिव जो साइड है इसको अगर देखा जाए तो बस अवकात ख़ानदानों में ऐसे अफराद होते हैं जिनके ऊपर तकलीफ़ चाहे छोटी होगी तकलीफ़ चाहे शायद छोटी होगी लेकिन वो उसको ऐसे बड़ा करके बयान करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले को ये लगता है कि इनसे बड़ा मज़लूम कोई नहीं है वो अपना दुखड़ा अपनी दास्तान ऐसे बयान करते हैं कि इनसे ज़्यादा परेशान कोई नहीं होगा और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है कितनी कितना झूठ है ये लोग फ़र्क करना भूल जाते हैं ऐसे में नतीजा क्या निकलता है कि लोग अपने हक़ को हासिल करने के लिए नाजायज़ तरीके से गलत तरीक़े से ऐसी बातें करके झगड़े फसाद अख्तिलाफ़ात का सब बन जाते हैं जिसकी वजह से ख़ानदानों के घरों की बुनियादें जो है मनहदम हो जाती हैं इसमें दरारें आ जाती हैं ख़ानदान बिखर जाते हैं घर टूट जाते हैं रिश्तेदारियों में नफ़रतें पनपने लगती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़बान का नतीजा है और जब लोग बना बना करके ऐसी बातें पेश करते हैं इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक होता है शायद वक्ती तौर पर उसे लगे कि मैं अपनी बात मनवा चुका हूं या कोई ख़ातून ये समझे कि मैंने अपनी बात अप सबके सामने रख दी है उसे लगे कि शायद मैं कामयाब हूं लेकिन इसका नतीजा बड़ा ख़तरनाक होता है फिर इसी तरीके से हम देखें इनसे अदालत वगैरह हैं कज़ा हैं या इसी तरीके से जहाँ फैसलों की बात आती है ऐसे में जो लोग असर रखते हैं जिनके पास अहदा है मनसब है जिनकी बात चलती हैं, ऐसे लोगों को ये इस हदीस के तहत गौर करने की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़बान के ज़रिए से महरूमों को और जो लोग मज़लूम हैं सताए जाते हैं उनको हक़ दिला सकते हैं इंसाफ़ दिला सकते हैं इस हदीस का मफह में यही है कि इंसान अगर कोशिश करे तो अपनी ज़बान में वो तासीर रखता है उसकी ज़बान और उसकी बात चलती है अगर तो वो ऐसे मजलूमों को हक़ दिलाने की कोशिश करे अपनी बात को रखे वहाँ ऐसा ना हो कि इसके अपोज़िट इसके बिलमकबिल जो लोग महरूम हैं वो महरूम ही रहें जो मज़लूम है वो मज़लूम ही रहें और कोई इनकी आवाज़ ना सुने आवाज़ उठाए भी जाए तो दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है ऐसे में जो लोग अपनी ज़बान अपनी बातों का असर रखते हैं वो अगर ख़ामोश रह जाएँ तो फिर ये मज़लूम व महरूम ऐसे ही महरूम महरूम रह जाते हैं और उनका हक उन्हें नहीं मिलता है फिर इसी तरीके से अगर बात करें तो जो अहदे व मनसब पर ज़िम्मेदारान होते हैं चाहे वो किसी भी पहलू में हों किसी भी मैदान में हों ऐसे लोगों को आगे बढ़ कर आना चाहिए अपने निचले तबके में जो लोग होते हैं उनके मसाइल को बसा अवत किसी जॉब को लेकर के परेशान कोई होगा कभी किसी मसले को लेकर के कोई परेशान होगा ऐसे में एक दूसरे के ताउन के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिनकी बात चलती है जिनके सिर्फ कह देने से मसाइल हल हो जाते हैं बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं ऐसे में आगे बढ़ के अपनी ज़बान को अच्छी चीज़ों में लगाने की कोशिश करें जी नेकी हैं इसमें बहुत ज़्यादा खैर व भलाई है अल्लाह ताली ने इसका अजर सबाब बहुत सुनाया है फिर इसी तरीके से अगर बात करें तजारत की बाज़ारों की तो ऐसे में भी दो पहलू नज़र आते हैं सबसे बड़ा जो ख़तरनाक पहलू वो यही कि ताजर या लोग जो कारोबार करते हैं यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धोखा दही होती है लोग अपनी ज़बानों से कुछ अशिया की तारीफ़ें इतनी ज़्यादा करने लगते हैं जो कि असल वैसी होती नहीं हैं असल वैसी चीज़ होती नहीं है उसको ज़्यादा कीमत में बेचने के चक्कर में झूठ भी बोल देते हैं झूठे वादे होने लगते हैं जिसके सबब जो बरकत जो मनपात उन्हें हासिल होनी चाहिए वो सब कुछ खसारे में चली जाती है ज़ाहिरन शायद लगे कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं जाहिरन उनको लगता है कि उनको प्रॉफिट हासिल हो रहा है लेकिन याद रखें कि जिस चीज़ को झूठ के सहारे हासिल किया जाए वो फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है वो बड़ा ख़तरनाक सौदा इंसान ने किया है दरअसल ऐसे मामले में इंसान को चाहिए कि वह अपनी ज़बान की पूरी हिफाजत करे बल्कि अफसोस इस बात का है कि ऐसे तजारती मसाइल में चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो ऐसे में लोग आगे बढ़ चढ़ कर के लोगों को कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं और झूठी तारीफें वो चीज़ उतनी की होती नहीं है और उसने ज़्यादा कीमत में उसे बेचने की कोशिश करते हैं या उसमें कोई आयब है उसे छुपा करके उसकी अच्छाइयाँ पेश करके बेचने की कोशिश करते हैं ऐसे में इनको डरना चाहिए और लोग तो इसको ट्रिक समझते हैं बिज़नेस ट्रिक समझ करके चीज़ इस्तेमाल की जा रही है और लोगों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है इस हदीस में ऐसे लोगों को भी रोका गया और मता की बताया गया कि ज़बान ये अल्लाह ताला की एक अमानत है ये नेमत है अज़ीम नेमत है इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है इसीलिए अल्लाह के नबी व सलाम ने फरमाया मन यद ली मैदमी मबई नही व माबई न रजलैदम लहुल उजन्ना कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत देगा एक जो उसके दो जबड़ों के दरमियान है उसकी और दूसरी जो उसके पैरों के दरमियान है उसकी जो इन दो चीज़ों की जमानत मुझे दे देगा अजमन लहुल लहजन्न मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ क्या है दो जबड़ों के दरमियान इंसान की ज़बान है और दो पैरों के दरमियान या दो रानों के दरमियान उसकी शर्मगाह है इन दो चीज़ों का जिक्र करके अल्लाह के नबी आसात ने फरमाया कि जो इन दोनों की ज़मानत मुझे देगा यानी इनको सही चीज़ों में इस्तेमाल करेगा गलत चीज़ों से बचेगा ज़बान को सही इस्तेमाल करेगा गलत इस्तेमाल करने से वो हमेशा रुका रहेगा और इसी तरीके से शरमगा का मामला है नेकी और भलाई के कामों में और बुराई से जिनाकारी से इन चीज़ों से बच के जो ज़िंदगी गुजारेगा अल्लाह के नबी सलाम ने गारंटी ली जमानत ली और कहा कि मैं ऐसे शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ हम समझ सकते हैं कि ज़बान कोई मामूली चीज़ नहीं है इससे इंसान बड़े ख़तरनाक मामलों का सामना करता है सुनन तरमीज़ी की रिवायत है बड़ी तवील रिवायत है बिन जबल रज़ी बयान करते हैं कि मैंने वसल्लम से सवाल पूछा कि अल्लाम मुझे कुछ वो अमाल बताइए कि जिनकी वजह से मैं जन्नत के करीब जाऊँ और ऐसे अमाल की तरफ रहनुमाई करे कि जिनसे मैं जहन्नम से दूर हो जाऊँ आप ने जहाँ इस्लाम की बुनियादी तालीमत बताएँ अरकान इस्लाम बताए वहीं आप सल्लम ने हर खैर को बताने के बाद आपने अपनी ज़बान को पकड़ा और बताया कि यह माज़ फ अनहअली का هذا इसकी हिफाजत करो पकुल तो या नबी अल्लाह व इलामो खजू नबी माँ न तक उबी साहबी रसूल ने पूछा कि अल्लाह के नवी वसलम क्या हम जो बात करते हैं उसकी वजह से भी हम पकड़े जाएंगे हमारी पकड़ होगी कल क़यामत के दिन आप अलीसलात वसलाम ने फरमाया सकेलत का उमखयाज तुम्हें तुम्हारी माँ गुम पाए यह अरब का एक मुहावरा है जो बदुुआ तो नहीं है ये असल बात की अहमियत को सामने वाले को समझाने के लिए ये बातें कही जाती थीं फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वहल वल यब्नासफा आलाउूम और हसादसनात इम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि लोगों को जहन्नम में सबसे ज़्यादा मुँह के बल जो घसीटा जाएगा उनकी ज़बानों की वजह से उनकी ज़बानों की वजह से बात क्या समझ में आती है कि दीन की बुनियादों को मुनहदम करने के लिए ये छोटा सा गोश का टुकड़ा काफ़ी है जो हमारी जबानों हमारे मुंह में बगैर क़ैद बंद के चलता रहता है जिस पर कोई क़ैद नहीं कोई कंट्रोल नहीं है लोग इसको बेधड़क चला देते हैं जहाँ कहीं जैसे चाहें और ऐसी बात अगर करें तो आज के दौर के लिहाज से मीडिया की भी एक ज़िम्मेदारी है मीडिया एक बड़ा ज़िम्मेदारी जिम्मेदाराना काम है ऐसे में सच को झूठ बोलना या झूठ को सच बना करके पेश करना यह आम सी आदतें बन चुकी हैं मीडिया का एक रोब है मीडिया एक अमानत है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो हर नाहिए से इससे मुल तमाम अफराद जो भी इससे मुंसलिक हैं ऐसे लोगों को इस जिम्मेदारी को पूरी अमानत दारी से अदा करने की ज़रूरत है बसा अवकात किसी एक ऐसी खबर को बता देने से पूरी उम्मत में पूरे लोगों में पूरी इंसानियत में एक वाशत पैदा हो जाती है जबकि वो चीज़ वैसी होती नहीं है बसाओक झूठ को ऐसे बना करके पेश किया जाता है कि लोगों को सच नज़र आने लगता है ये एक जिम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा ज़रूर और ऐसे अफराद जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं उन पर ज़रूरी है कि वह अपनी ज़बानों की हिफ़ाज़त करें इसलिए कि अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया मन मत नजा जो ख़ामोश रहा वो कामयाब हो गया मुख्तर अल्फाज में अल्लाह के नबी सलाम ने कामयाबी का रास्ता बता दिया खामोश रह करके भी कामयाबी हासिल की जा सकती है खामोश रह करके भी जन्नत हासिल की जा सकती है इसलिए कि इससे पहली वाली हदीस जो सुनत तिरमीजी की थी मुआज़ बिन जबल रदीन को अला के नबीसम ने नसीहत करते हुए क्या कहा था कि इसी जबान की वजह से लोग जानना में घसीटे जाएंगे मुँह के बल घसीटे जाएंगे और वहीं आपने इलाज बता दिया कि खामोश रहो बेफायदा और ऐसी लंबी लंबी गुफ्तु के जिनका कोई फायदा ना होना दुनिया का ना आखिरत का ऐसी गुफ्तु से बचे रहो आज हमारी मजलिसों में आसानी से हमें टॉपिक्स मिल जाते हैं अफराद के पीछे गिबत चुगली बहुत सारी बुराइयां लोगों के बयान करना जैसे कि एक मामूल बन चुका है मामूल बन चुका है आज हमारी मजलिसों में यही गर्म मौजू चलता है किसी के पीठ पीछे उनकी बुराई बयान कर दो और लोग कलेक्ट करके लाते हैं मालूम ताकि मजलिस को गरम गरमाया जा सके वक्त गुजारी हो सके दोस्तों के साथ एक वक्त गुजर जाए टाइम पास हो जाए अल्लाह अकबर अल्लाह से डरना चाहिए यह ज़बान जो हमारे कंट्रोल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें हड्डी अगर नहीं रखी है और दुखती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको जैसे चाहे चलाया जाए इसके मतलब इसके तल्लु से सवाल पूछा जाएगा अल्लाह के पास अल्लाह के नबी अलैहि आई व सलाम ने गौर करें इस हदीस के अल्फाज पर आपने फ़रमाया मन का मनका वल यौमिल आखिर पल़ुल ख़ैरमुत क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अगर बात करें तो भली बात करे अच्छी बात करे वरना खामोश रहे गौर करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अब जबान खोलना है अच्छी बातों के लिए ज़बान खोलो किसी को नेकी की भलाई की तालीम दो किसी को अच्छी बातें बताओ अजर सवाब के कामों की तरफ किसी को बुराई से रोको यह ज़बान का सही इस्तेमाल है वहीं आपने फरमाया कि अगर इसके लिए ज़बान नहीं खोल सकते हो तो बुराई से बचने का तरीका यही है कि जबान को बंद रखो अपनी जबान को बंद रखो बात मत करो और इसको आपने किससे जोड़ा मन मनकाबी वो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है ऐसे शख्स को चाहिए कि अगर जबान खोले मुंह खोले तो अच्छी बातों के लिए खोले वरना खामोश रहने ही में कामयाबी है मन समत नजा वरना वो मुहावरा बड़ा मशहूर है मन कसरा कलाम हूँ कसुर ख़त हूँ कि जिसकी ज़बान ज़्यादा चलती है जिसका कलाम और बातें ज़्यादा हों वही उसी से ग़लतियाँ भी ज़्यादा सरजद होती हैं अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को सुनी गई जो बातें हैं अदीस की रोशनी में उन पर अमल करने के अल्लाह तोफ़ी इनायत फरमाए बतौर ख़ास ती हमें अपनी ज़बानों की हिफाजत की तोफ़ी इनायत फ़माएं जब भी हमारा मुँह खोले अच्छे कामों के लिए अच्छी बातों के लिए खोलें निकी की तालीम देने के लिए बुराई से रोकने के लिए खोलें और अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल की तोफ़ी हनाायत फरमाएँ जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर ईमान पर अदे तोहेद पर बाई रखे जब ख़ातिमा हो उसने ख़ातिमा नसीब करें इंतकाल के बाद अल्लाह ताला हम तमाम को अजाब क़ब्र से अजा जहनम से नजात देकर हमारा ठिकाना जन्नतफिद नसीब फ़र 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 फरए आमीन वाखर उदावाना अलहमदिल्लाबिला